वेलकम टू स्टडी जीनत फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी उस प्लेलिस्ट लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबरी एंड डेकॉइटी से संबंधित जो प्रोविजन दिए गए हैं आईपीसी में वो एंड रॉबरी एंड डेकॉइटी में छोटा सा डिफरेंस है वो पहले बता देती हूँ मैं जैसे कि जो रॉबरी होती है अगर उसमें पांच या फिर पांच से ज्यादा लोग क्या होते हैं शामिल होते हैं तो तब वो रॉबरी रॉबरी नहीं रहती वो डेकॉइटी बन जाती है बस इतना सा डिफरेंस है रॉबरी एंड डेकवाइटी में तो आज के वीडियो में डेक्वाइटी एंड रॉबरी से संबंधित जो प्रोविजन है हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा टेलीग्राम पर चैनल है स्टडी गोविजीनत के नाम से उसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है और दूसरी चीज एल जीनत के नाम से ग्रुप भी है टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कर लेना इससे आपका ये फायदा रहेगा कि आप कोई भी क्वेरी आपस में वहाँ पर पूछ सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ सेक्शन थ्री नाइन्टी में ये बताया गया है कि रॉबरी क्या होती है रॉबरी को हिंदी में कहते हैं लूट तो यहाँ पर ये कहा गया है इस सेक्शन में इन ऑल रॉबरी देयर इज ईधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन यानी कि जितनी भी रॉबरी होती हैं जितनी भी लूट होती हैं उनमें या तो थैफ्ट हुआ होता है या फिर एक्सटॉर्शन हुआ होता है थैफ्ट मतलब चोरी जो कि आपका सेक्शन थ्री सेवेंटी एट में डिफाइन है एंड एक्सटॉर्शन मतलब उद्यापन जो कि आपका सेक्शन 383 में डिफाइन है तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो रॉबरी है वो या तो थैफ्ट का या फिर एक्सट्रॉशन का क्या है एग्रावेटेड फॉर्म है खतरनाक प्रारूप है ऐसा कह सकते हैं ये ज़रूरी है अगर कोई थैफ्ट हुआ है तो वो तभी रॉबरी में कन्वर्ट होता है जब यहाँ पर जो इन्ग्रीडियट हम आपको बताएंगे वो उसके साथ जुड़े होते हैं उसके साथ प्लस होते हैं उसी तरीके से एक्सट्रॉर्शन कब रॉबरी में कन्वर्ट होता है एक्सट्रॉशन रॉबरी में तब कन्वर्ट होता है जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट हम डिस्कस करेंगे वो अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं तो तब वो आपका रॉबरी में कन्वर्ट होता है सेक्शन थ्री नाइन्टी में बताया गया है कि कब चोरी लूट है और कब एक्सट्रॉर्शन आपका रॉबरी है तो पहली चीज कि कब थेफ्ट रॉबरी है थेफ्ट तब रॉबरी है यदि क्या होता है इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट चोरी कमिट करने के लिए या फिर इन कमिटिंग द थैफ्ट चोरी कमिट करते हुए या फिर इन कैरिंग अवे और अटैम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय द थेफ्ट यानी कि चोरी से जो प्रॉपर्टी ऑप्टेन की गई है उसको ले जाते हुए या फिर उसको ले जाने का प्रयत्न करते हुए जो ऑफेंडर है अगर वो क्या करता है वो वो ऑफेंडर फॉर दैट एंड उस उद्देश्य से जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किए क्या करता है किसी व्यक्ति की वॉलेंटर्ली स्वेच्छा से डेथ कॉज करता है या फिर उसको वॉलेंटर्ली हर्ट कॉज करता है या फिर उसको रॉन्गफुली रिस्टेंट करता है वॉलेंटर्ली या फिर उसको वॉलेंटर्ली क्या करता है इंस्टेंट डेथ के भय में डालता है या फिर उसको वो इंस्टेंट हर्ट पहुँचाने के भय में डालता है वॉलेंटर्ली वो ऐसा करता है या फिर वो उसको रॉन्गफुली रिस्टेंट किए जाने के भय में डालता है वॉल्टरली अगर वो ऐसा करता है या फिर इनमें से कोई भी चीज़ वो करने का क्या करता है अटैम्प करता है तो तब ऐसा कहा जाएगा कि ये जो थैफ्ट हुआ है ये आपका रॉबरी है बिकॉज इसमें थैफ्ट के इंग्रेडिएंट तो इंक्लूडेड ही हैं बाकी जो इन्ग्रीडियंट सेक्शन थ्री नाइन्टी में बताए गए हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं तो इसलिए जो ये थेफ्ट है रॉबरी है जैसे कि यहाँ पर रिलस्ट्रेशन ए दिया गया है सेक्शन थ्री नाइन्टी में कहा यह गया है ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड्स कंसेंट तो ये कह रहे हैं कि जो ए है वो जेड को दबोचा और फ्रॉडुलेंटली फ्रॉडुलेंटली आपका सेक्शन ट्वेंटी फाइव ऑफ आई पी सी में डिफाइन है कहा यही गया है कि कोई चीज फ्रॉडुलेंटली की गई हुई तब कही जाती है जब वो चीज़ डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से की जाती है तो यहाँ पर जो ए है वो जेड को दबोचा और फ्रॉडुलेंटली उसके कपड़ों में से मनी और ज्वेल्स वगैरह ले लिया बिना जेड की कंसेंट के तो यहाँ पर जो ए है उसने क्या किया है थेफ्ट कमिट किया है बट थेफ्ट कमिट करते हुए उसने क्या किया है इसके साथ साथ वॉलेंटरली जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है तो यहाँ पर जो ए है वो लाइबल होगा रॉबरी के लिए बिकॉज यहाँ पे थेफ्ट के साथ साथ एक इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर सेशन 390 में हमने आपको बताया वो इंक्लूडेड है वॉल्टरली उसने क्या किया है जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है वाइल कमिटिंग थेफ्ट तो ये चीज़ आपका जो ये थेफ्ट है ये कन्वर्ट हो गया किसमें में रॉबरी में एक केस था एडवर्ड्स केस 1883 यानी कि एडवर्ड का मामला हुआ क्या था इस केस में इस केस में जो एक्यूज एक था जो अभियुक्त था वो एक बास्केट जो कि रस्सी से बंधी हुई थी उसका रस्सी काट रहा था विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग दैट बास्केट उस बास्केट को चुराने के इंटेंशन से वो ऐसा कर रहा था वाइल कटिंग द रस्सी रस्सी काटते टाइम क्या हुआ सडनली उससे गलती से क्या हो गया जो ओनर का बास्केट का जो ओनर था उसका हाथ उससे कट हो गया अब यहाँ पर तुरंत एक्यूज क्या करता है बास्केट उठा के भाग जाता है अब इस केस में ये हैड हुआ कि जो एक्यूज है वो यहाँ पर रॉबरी के लिए गिल्टी नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज जो ऑनर का हाथ उससे कटा था वो एक्सीडेंटल था यानी कि एक्सीडेंटली उसका हाथ उससे कटा इंटेंशनली उसने उसका हाथ नहीं काटा तो इस केस में वो थेफ्ट के लिए ही गिल्टी माना गया ना कि रॉबरी के लिए सेक्शन थ्री में दूसरी चीज ये बताई गई है कि कब एक्सट्रॉर्शन रॉबरी है कहा यह गया है कि एक्सटॉर्शन तब रॉबरी है जब जो ऑफेंडर है वो एक्सट्रॉशन कमिट करते समय जिस व्यक्ति को उसने भय में डाला है उसी की वो प्रेजेंस में होता है मतलब वो भी वहीं पर होता है लाइक like, ऐसा नहीं होता है जैसे कि कोई व्यक्ति फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारी फोटो जो मेरे पास पड़ी हुई है ना अश्लील फोटो या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी तो मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक कर ली मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगा अदरवाइज तुम क्या करो मुझे पैसे डिलीवर करो तो इस तरीके से नहीं किया जा रहा है यहाँ पे यहाँ पर कुछ और ही मामला है कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये यहाँ पर कुछ लोग हैं ए सी डी तो यहाँ पर जो बी है उसके ये दोनों के दोनों ये बच्चे हैं अब जो ए है वो क्या कर रहा है कर रहा है तो एक्सट्रोशन कमिट करते हुए वो B को इस भय में डाला है कि वो उसकी इंस्टेंट डेथ करेगा या फिर वो उसको इंस्टेंट हर्ट देगा या फिर वो उसको इंस्टेंटली रॉन्गफुली रिस्टेन कर लेगा या फिर वो बी को इस भय में डाला है कि जो ए है वो उसके जो बच्चे हैं बी के सी या डी इनमें से किसी को भी क्या करेगा इनकी इंस्टेंट डेथ करेगा या फिर इनको इंस्टेंट हट देगा या फिर इनको इंस्टेंटली रॉन्गफुली रिस्टेंट कर लेगा तो यहाँ पर ये भय जो बी को दिया है इस भय में डालकर बी को जो ए है वो इंड्यूस करता है कि बी उसको क्या करे डिलीवर करे वो चीज जिस चीज के लिए ए क्या कर रहा है एक्सटोर्शन कर रहा है वो चीज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसपे वो साइन करवा रहा हो या फिर जिसपे वो सील वगैरह लगवा रहा हो जिसको वो बाद में वैल्यूबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है तो इस चीज़ को डिलीवर करने के लिए वो क्या किया है बी को भय में डाला है किस भय में कि वो या तो बी की या फिर उसके जो बाल बच्चे हैं उनकी क्या करेगा इंस्टेंट डैथ करेगा या फिर वो उनको इंस्टेंट हर्ट देगा या फिर वो उनको इंस्टेंटली रॉन्गफुली रिस्टेंट करेगा इस तरीके से इंड्यूस करके वो बी से क्या करवा रहा है डिलीवर करवा रहा है वो चीज़ जिसके लिए वो क्या करा है एक्स्ट्रॉशन किया है तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रॉर्शन है ये एक्स्ट्रॉर्शन रॉबरी कहलाएगा बिकॉज यहाँ पर जो भय दिया गया है वो इंस्टेंट है और वो व्यक्ति जो भय में डाला है वो वहीं पर प्रेजेंस है यानी कि बी के पास ही तो खड़ा है ए तो वो वहीं पर उपस्थित है तो यहाँ पर वो बी को उसकी या फिर उसके बाल बच्चों की इंस्टेंट डेथ या फिर इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्टेंट किए जाने के भय में डाल रहा है तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इन सब के आगे लगा है इंस्टेंट तो कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि, कि किसी व्यक्ति को इंस्टेंट डेथ किए जाने के भय में डालकर कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई गई है तो जो ए है वो बी के ऊपर पिस्तौल ताने हुए खड़ा है और बी से कह रहा है कि भाई ये जो चीज़ तुम्हारे पास है ये हमें दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से पिस्तौल ताने हुए खड़ा है ए बी के ऊपर तो बी को उसकी इंस्टेंट डेथ होने का क्या हो रहा है भय हो रहा है तो अब इस तरीके से अब ये भय में आ गया है और इस तरीके से ए ने बी को भय में डाला और इस तरीके से बी को उसने इंड्यूस किया कि जो उसके पास ये चीज़ है वो ए को डिलीवर कर दे अब ये चीज़ उसने ए को डिलीवर कर दी तो यहाँ पर जो ए है उसने एक्सट्रोशन तो किया है बट बी को उसके इंस्टेंट डेथ कॉज किए जाने के भय में डाल कर किया है और वो यहाँ पर बी के सामने ही है बी के सामने ही प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में ये जो उसका एक्सट्रोशन है ये कहलाएगा रॉबरी इसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि कब ये कहा जाएगा कि जो ऑफेंडर है वो प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है ऐसा तब कहा जाएगा इफ़ ही इज सफिशेंटली नियर टू पुट दी अदर पर्सन इन फियर ऑफ़ इंस्टेंट डेथ ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ़ इंस्टेंट रॉन्गफुल रीस्टेंट यानी कि अगर वो अदर व्यक्ति को इंस्टेंट डेथ किए जाने के भय में डालने के लिए या फिर इंस्टेंट हर्ड कॉज किए जाने के भय में डालने के लिए या फिर इंस्टेंट रॉन्ग फिर रिस्टेंट किए जाने के भय में डालने के लिए सफिशियंटली उसके पास है तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति प्रेजेंट है उपस्थित है ऑफेंडर उपस्थित है एक केस था रजो ए गिन वर्सेस स्टेट इस केस में ये बात हल हुई थी कि रॉबरी के केस में मोटिव होना जरूरी नहीं है हेतु होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज जो एक रॉबर है जो एक लूटने वाला व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को लूट सकता है जिसके पास मनी है लाइक like जैसे कि जो मोटिव है वो आपका सेक्शन एट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट माना जाता है तो यहाँ पर रॉबरी के केस में मोटिव होना ज़रूरी नहीं होता है बिकॉज एक रॉबर जो है वो किसी भी व्यक्ति को जिसके पास मनी है क्या कर सकता है लूट सकता है सेक्शन थ्री नाइन्टी टू में पनिशमेंट बताई गई है रॉबरी के लिए कहा यह क्या है कि जो कोई भी रॉबरी कमिट करता है वो पनिश होगा उतनी अवधि की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के लिए कठोरतम कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगा दस सालों तक एंड वो फाइन देने के लिए भी यहां पर लायबल होगा और अगर रॉबरी कमिट की जाती है हाईवे पर राजमार्ग पर बिटवीन सनसेट एंड सनराइज सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तो तब इस कंडीशन में जो व्यक्ति रॉबरी कमिट किया है वो व्यक्ति पनिशेबल होगा उतने पीरियड के इम्प्रमेंट के लिए उतने अवधि के कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड होगा चौदह सालों तक एक केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट 1978 इस केस में हुआ क्या कि जो एक्यूज था जो अभियुक्त था वो हाईवे पर रॉबरी कमिट किया उसने क्या किया उसने जो बस में पैसेंजर वगैरह थे जो बस में यात्री वगैरह थे उनको लूटा तो इस केस में जो ट्रायल कोर्ट है उसने उसके ऊपर रॉबरी कमिट किए जाने की वजह से रॉबरी का गिल्टी मानते हुए उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई फिर ऑन अपील उसकी अपील हुई तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया तो ये पूछ लिया जा सकता है कि ये केस किससे संबंधित है तो ये केस आपका रॉबरी से संबंधित है रॉबरी का अटैम्प सेक्शन 393 में पनिशेबल है सेक्शन 393 में कहा गया है कि जो कोई भी रॉबरी कमिट करने के लिए अटैम्प करता है प्रयत्न करता है वो पनिशेबल होगा उतनी अवधि के रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के लिए कठोरतम कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगी सात सालों तक और वो यहाँ पर फाइन देने के लिए भी लाइबल होगा सेक्शन थ्री ऑफ आई इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रॉबरी कमिट करते हुए या फिर रॉबरी कमिट करने का अटैम्प करते हुए प्रयत्न करते हुए क्या करता है वॉलेंटरली कॉज करता है हर्ट स्वेच्छा से उपहति कारित करता है तो वो व्यक्ति और कोई अदर पर्सन जो कि जॉइंटली कंसर्न है मतलब मिला हुआ है इन कमिटिंग और अटैम्पटिंग टू कमिट सच रॉबरी ऐसी रॉबरी को कमिट करने में या फिर ऐसी रॉबरी को कमिट करने के अटैम्प में जो उसके साथ जॉइंटली कंसर्न पर्सन है वो यहाँ पर पनिशेबल होगा विद इम्प्रूजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास के लिए या फिर उतने अवधि के रिग्रस इंप्रूजमेंट के लिए कठोरतम का कारावास के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगा दस साल तक एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लायबल होगा नेक्स्ट अब अगर हम बात करें सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी की यहाँ पर डिकॉयटी के बारे में बताया गया है कि डिकॉयटी क्या होती है बेसिकली ये रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म है डेक्वाइटी को मलेशिया एंड सिंगापुर में कहते हैं गैंग रॉबरी रॉबरी एंड डॉइटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ नंबर ऑफ पर्सनस का डिफरेंस है डेकॉयटी में होता रॉबरी ही है लेकिन वहाँ पर पांच या पांच से ज़्यादा लोग अगर रॉबरी कमिट करते हैं तो वो रॉबरी नहीं रह जाती है वो आपका डिकॉयटी कहलाते हैं बस इतना सा डिफरेंस है तो यहाँ पर सेक्शन थ्री वन ऑफ आई पी सी कहता है ये कहता है कि वन फाइव और मोर पर्सन्स पांच से ज्यादा लोग conjointly कॉन्जॉइंटली मतलब यूनाइटली ऐसे कह सकते हैं एकतापूर्वक क्या करते हैं कमिट करते हैं या फिर कमिट करने का अटैम्प करते हैं क्या चीज रॉबरी या फिर वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन conjointly कमिटिंग और अटैम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी जब मतलब सारे के सारे जो लोग हैं वो कॉन्ज्वाइंटली क्या कर रहे हैं रॉबरी कमिट कर रहे हैं या फिर रॉबरी कमिट करने का अटैम्प कर रहे हैं तो वहां पर आसपास जो लोग प्रेजेंट हैं वो अगर रॉबरी के कमीशन में रॉबरी के कारित किए जाने में या फिर रॉबरी का कमिट किए जाने का जो अटैम्प किया जा रहा है कोशिश जो की जा रही है जो प्रयत्न किया जा रहा है उसमें जो प्रेजेंट पर्सन है ना वहां पर आसपास जो लोग मौजूद हैं वो अगर क्या करते हैं एड करते हैं मतलब सहायता करते हैं फिर उनको मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइव या फाइव से ज्यादा हो जाता है तो तब हर एक पर्सन जो कि कमिट किया है या फिर अटैम्प किया है कमिट करने का या फिर एड किया है ऐसे कमीशन में या फिर ऐसे अटैम्प में तो वो सारे पर्सन के बारे में कहा जाएगा कि वो क्या किए हैं वो कमिट किए हैं डिक्वाइटी तो यहाँ पर डिक्वाइटी के क्या इसल इंग्रेडिएंट्स है डिक्वाइटी के इसेंशियल इंग्रेडिएंट है की पहली चीज accused. क्या किए 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 या फिर कमिट करने का हो. क्या चीज रौबरी. रौबरी मतलब लूट. दूसरी चीज़ पर्सन कमिटिंग और अटैम्पटिंग टू कमिट रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग मस्ट नॉट बी लेस देन फाइव यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो पांच से कम नहीं होनी चाहिए जो कमिट कर रहे हैं ऑफेंस रॉबरी का या फिर जो कमिट करने का अटैम कर रहे हैं या फिर जो रॉबरी कमिट किए जाने और या फिर रॉबरी के कमिट किए जाने के अटैम में जो लोग सहायता कर रहे हैं उन सब पर्सन को मिलाकर कम से कम पांच लोग तो होने ही चाहिए पांच लोग से कम नहीं होने चाहिए तीसरी चीज ऑल सच पर्सन शुड एक्ट कॉन्जॉइंटली जितने भी लोग हैं ये पांचों के पांचों या पांच से ज्यादा वो सब कौन जॉइंटली क्या करने चाहिए एक्ट करने चाहिए देन इन दैट कंडीशन ये कहा जाएगा कि वो लोग क्या किए हैं वो लोग कमिट किए हैं डेकॉइटी डेकॉइटी का पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन थ्री नाइनटी फाइव ऑफ आई में कहा ये गया है कि जो कोई भी डेकॉइटी कमिट करता है वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और जीवन कारावास के लिए या फिर उतनी अवधि के रिग्रस इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगा दस सालों तक एंड वो फाइन देने के लिए भी लाइबल होगा ये जो आपका ऑफेंस है डिकॉइटी का ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब संघीय अपराध है विदाउट वॉर पुलिस अरेस्ट कर सकती है एंड नॉन बिलेबल है बेल नहीं मिलती है बट सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया गया है उन केसेस का जहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस केस में भी क्या मिल सकती है बेल मिल सकती है वो भी तब जो वहाँ पर सरकमस्टांसेस दिए गए हैं उनको अगर आप सटिस्फाई कर जाते हैं नेक्स्ट ये जो आपका ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है कहने का मतलब है कि इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है दो तरह का लिस्ट जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस का लिस्ट दिया गया है पहले लिस्ट में वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं जिनको विदाउट दी परमिशन ऑफ कोर्ट आप क्या कर सकते हैं कंपाउंड कर सकते हैं क्षमा कर सकते हैं और दूसरी जो लिस्ट दी गई है उसमें विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप जो ऑफेंसेस लिस्ट में दिए गए हैं उनको क्या कर सकते हैं क्षमा कर सकते हैं तो यहाँ पर जो ये डेकोइटी है ये नॉन कंपाउंडेबल है कहने का मतलब है कि ये शमनीय अपराध नहीं है ये अशमनीय अपराध है मतलब यहाँ पर ये जो ऑफेंस है ये ग्रेव नेचर का है गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसमें आप आपस में समझौता नहीं कर सकते हैं और इसका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन कोर्ट में चलता है सेशन कोर्ट का जो विचारण है उसके ऊपर आपका सेक्शन 225 से लेकर दिए गए हैं सीआरपीसी में 237 तक के प्रोविजन वो अप्लाई होते हैं जब कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल चलता है यहाँ पर कुछ केसेस है जैसे की स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेजिंग नाइनटीन सिंह इन दिस केस हुआ क्या था कि जो नौ एक्यूज थे नाइन एक्यूज थे वो अटैक किए कंप्लेनेंट के ऊपर एट अ प्लेस एक जगह पर एंड थ्री अटेंट टू हैंड ओवर देम ऑल ही हैड उसके पास जो भी सामान था उससे धमकाया कि वो सारा का सारा सामान उन्हें दे दे और साथ ही उन लोगों ने उसको पीटा भी तो जो कंप्लेनेंट है इस वजह से उसने क्या कर दिया जो उसके पास मनी था जो उसके पास घड़ी वगैरह थी जो उसके पास साइकिल वगैरह थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सामान उन एक्यूज को दे दिया तो ये जितने भी एक्यूज थे ये आपका सेक्शन थ्री नाइन्टी फाइव ऑफ आई पी सी के तहत रिकॉयटी के लिए पनिश हुए इनके ऊपर सेक्शन थ्री फाइव लगा एक केस था सक्तू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी नाइनटीन थ्री का इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हल की थी कि अगर ये इस्टेब्लिश कर दिया जाता है ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो अपराधी थे उनकी संख्या पाँच से ज़्यादा थी जो कि डेकोइटी कमिट किए थे तो यहाँ पर उन पाँच से ज़्यादा जो लोग थे उन सबको कन्विक्ट करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज एविडेंस ही नहीं मिल पाया था उनकी पहचान ही नहीं हो पाई थी जो बाकी लोग थे उनकी पहचान नहीं हो पाई थी तो यहाँ पर जितने एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो पाए थे उनकी संख्या पाँच से कम थी लेकिन ये इस्टैब्लिश हो गया था कि भाई पाँच से ज़्यादा लोग थे ये प्रूव हो गया था कि पाँच से ज़्यादा लोग थे बट ड्यू टू लेक ऑफ एविडेंस और उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चल सकी वो भाग भाग गए तो इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि जो भाई बचे हुए एक्यूज जो पकड़े गए हैं अब ये इस्टैब्लिश जब हो गया है कि पाँच से ज़्यादा लोग हैं तो जो बचे हुए लोग थे उनको कन्विक्ट किया गया भले ही उनकी संख्या पाँच से कम थी बिकॉज ये स्टेब्लिश हो गया था कि पाँच से ज़्यादा लोग शामिल थे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रॉबरी है उसको कमिट करने वालों की संख्या अगर पाँच या फिर पाँच से ज़्यादा होती है तो इन दट कंडीशन वो रॉबरी नहीं रह जाती है वो डेकॉइटी कहलाती है ठीक है वो आपका डेकॉइटी कहलाती है और यहाँ पर हमने एक टर्म भी यूज़ की थी कि पाँच या फिर पाँच से ज़्यादा लोग कॉन्जॉइंटली कौन ज्वाइंटली ये जो टर्म यूज़ की थी इसका मतलब जैसे इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त तो इसका मतलब है कि जब एकजुट होकर जब यूनाइटली एक्यूज पर्सन काम कर रहे हैं जब यूनाइटली एक्यूज पर्सन क्या करते हैं प्रोसीड करते हैं या फिर ऐसे कह है सकते हैं कि योजना वगैरह बनाकर प्रोसीड करते हैं एक केस था नांदू लाल तुलसी या फिर ऐसी कुछ था नहनू लाल तुलसी ऐसी कुछ था मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली exactly, आप उसको चेक करना क्योंकि मुझे इस केस का पूरा नाम और साइटेशन कहीं पर भी नहीं मिला हिंदी की बुक्स में आपको मिल जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी की बुक्स में मिल जाएगा तो एक बार आप इसको देख लेना क्या नाम था और इसको मुझे कमेंट करके बता देना ठीक है तो एक केस था नानू लाल तुलसी या फिर नानू लाल तुलसी इस केस में बात हल हुई थी कि भाई जो ये टर्म यूज़ हुए ना कॉन् जॉइंटली दे कॉइटी के सेक्शन में ये आपका इशारा करती है कॉमन इंटेंशन की तरह और कॉमन इंटेंशन क्या है ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें एक केस की राम लखन वर्सेज स्टेट नाइनटीन तो जैसे कि रॉबरी को जब पांच या पांच से ज़्यादा लोग कमिट करते हैं तो वो डेकोइटी बन जाती है तो जब वो डेकोइटी बनती है तो यहाँ पर अब इस केस में हुआ क्या पांच लोग कन्विक्ट हुए थे डेकॉयटी के लिए उनमें से दो छूट गए तो यहाँ पर जब दो के ऊपर से एक्यूजेशन हट गया डेकोइटी का और सिर्फ तीन ही बचे हुए हैं तो अब उनको डेकोइटी के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये स्टेब्लिश होना जरूरी है कि भाई डेकोइटी में पांच लोग शामिल थे तभी जो एक्यूज हैं वो कन्विक्ड होंगे टेक्वाइटी के लिए अब जो ये रिमेनिंग एक्यूज हैं वो टिकॉइटी के लिए कन्विक्ट हो सकते हैं जो रिमेनिंग तीन एक्यूज हैं वो टिकॉइटी के लिए कन्विक्ट हो सकते हालांकि वो रॉबरी के लिए कन्विक्ट हो सकते हैं बट डेकॉइटी के लिए नहीं अगर रॉबरी के इसेंशियल इन्ग्रीडियंट फुलफिल होते हैं तो वो रॉबरी के लिए कन्विक्ट हो सकते हैं टिकॉयटी के केस में रॉबरी के इसेंशियल इन्ग्रीडियंट पूरे इस्टेब्लिश होने चाहिए उसके साथ साथ ये चीज़ इस्टैब्लिश होनी चाहिए कि कम से कम पाँच लोग थे या फिर पाँच से ज़्यादा लोग थे उन्होंने कौन जॉइंटली काम किया था ठीक है ये सब चीज़ें प्रूव होनी चाहिए अब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है कि पांच लोग मिल के डेकॉइटी किए थे अब यहाँ पर जब मुकदमा वगैरह चला इनके खिलाफ अब इनमें से तीन मर गए अब दो ही बचे और ये इस्टैब्लिश हो गया कि भाई ये पांचों डॉइटी में शामिल थे बट ये तीन मर गए हैं अब ये दो ही बचे हैं क्या इन दो को कन्विक्ट किया जाएगा जी हाँ कन्विक्ट किया जाएगा बिकॉज ये इस्टैब्लिश हो चुका है कि पांच लोग शामिल थे और बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द कमिटिंग डॉइटी क्या है कि जो रॉबरी हुआ था उसमें कम से कम पांच लोग शामिल थे तभी वो कन्वर्ट होती है किसमें में में इस चीज़ को और ज्यादा क्लियर किया गया है एक केस में एक केस था घमंडी वर्सेज स्टेट 1970 का इस केस में ये बात हेल हुई थी कि भाई एक्यूज जो पकड़े गए थे वो पाँच थे ठीक है उनमें से दो एक्यूज छूट गए ये इस्टैब्लिश हो गया कि भाई ये तो शामिल ही नहीं थे डेकोइटी में बस ये तीन शामिल थे और अब अब क्या इन तीनों को कन्विक्ट किया जा सकेगा भाई नहीं किया जा सकेगा कन्विक्ट बट अब अगर ये इस्टैब्लिश हो जाता है कि भाई इनके साथ और लोग भी शामिल थे जिससे क्या हो रहा है कि जो एक्यूज़ की संख्या है वो पाँच या फिर पाँच से ज़्यादा हो पा रही है और ये स्टैब्लिश हो जाता है कि भाई इनके साथ और लोग भी शामिल थे जो कि पकड़े नहीं गए जिनकी पहचान नहीं हो सकी है वो भाग गए तो अब जो पकड़े गए एक्यूज़ हैं उनको डेकोइटी के लिए कन्विक्ट किया जा सकेगा बिकॉज ये स्टेब्लिश हो गया है कि जो एक्यूज थे वो कम से कम पांच थे या फिर पांच से ज्यादा थे जब ये चीज इस्टिश हो जाती है तो चाहे एक ही आदमी पकड़ा गया हो उसको भी टिकॉइटी के लिए क्या किया जाएगा पनिश किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर भरेन्द्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्प्र का केस देख सकते हैं ये केस हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी कॉमन इंटेंशन वाली वीडियो में और आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस केस से तो एक बार उसको जरूर देख लेना सेक्शन 396 ऑफ आईपीसी प्री में बहुत आता है कि भाई डेकोइटिव विद मर्डर कौन से सेक्शन में है तो भाई अगर कोई डेकोइटी के साथ साथ चार चांद और लगा देता है कहने का मतलब है मर्डर कर देता है तो भाई इस केस में उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी ये चीज बताई गई है सेक्शन थ्री नाइन्टी सिक्स ऑफ आई पी सी में तो कहने का मतलब है जैसे कि मान लो पांच या पांच से ज्यादा लोग थे ए बी सी डी ई ये लोग गए पांच ही मान लेते हैं पांच लोग थे ये ये लोग गए क्या करने रॉबरी कमिट करने तो जैसे कि इनकी संख्या पांच थी तो अब ये जो रॉबरी करेंगे ये रॉबरी तो कहलाएगी नहीं ये डेकोइटी कहलाएगी अब ये डेकोइटी हो गई ठीक है क्योंकि तो इनकी संख्या पांच थी अब ये डेकोइटी करने का है अब ये डेकोइटी कर रहे हैं डेकोइटी करते टाइम एक पर्सन जो है उनका इनमें से किसी एक पर्सन ने मान लो एक का दिमाग खिसक गया था अब ए ने क्या कर दिया मर्डर कर दिया एक पर्सन का तो भाई अब इस केस में ये तो जाएगा ही जाएगा मतलब ये तो पनिश होगा ही होगा बट बाकी जो थे ये बच नहीं सकेंगे वो भी सेम तरीके से यहाँ पर लायबल होंगे जिस तरीके से ए लायबल होगा फॉर कमिटिंग द मर्डर ऑफ दैट पर्सन यानी कि इफ एनी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सनस हुआ आर कॉन जॉइंटली कमिटिंग पांच या पांच से ज़्यादा लोग जो कि कौन कमिट कर रहे थे डेकॉइटी तो उनमें से अगर कोई एक क्या कर देता है इस तरीके से डेकॉइटी को कमिट करते हुए किसी का मर्डर कर देता है हत्या कर देता है तो हर एक पर्सन क्या होगा उन सब में से हर एक पर्सन पनिश होगा विद डेथ मृत्यु दंड के लिए या फिर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास के लिए या फिर उतनी अवधि के कठोरतम कारावास के लिए भी लायबल होंगे आपने एक केस तो ही होगा भरेन्द्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर ये हमने कॉमन इंटेंशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था तो उसको यहाँ से लिंक कर लेना और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा केस वीडियो आई बटन में मिल जाएगी एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना सेक्शन 397 एंड सेक्शन 398 इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद डायरेक्ट आता है आपका सेक्शन 399 नाइन्टी नाइन ऑफ आई ये इम्पॉर्टेंट है इससे प्री में पूछा जाता है कि भाई डेकोइटी का प्रिपरेशन किस सेक्शन के तहत पनिशेबल है और जैसे कि आपको पता ही है जनरल रूल ये है कि कोई अपराध कमिट करने के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो पनिशेबल नहीं होता है बट uh, इस चीज़ के इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन आईपीसी में दिए गए हैं जिनमें से एक आपका सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी भी है कहा यह है सेक्शन 399 में कि भाई अगर आप डिकॉइटी कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं मतलब जो कोई भी क्या करता है डिकॉइटी कमिट करने का तैयारी करता है तो वो व्यक्ति यहाँ पर पनिशेबल होगा उतने अवधि के रिग्रस इम्प्रिजमेंट के लिए कठोरतम कारावास के लिए जिसकी अवधि दस सालों की हो सकेगी एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लाइबल होगा तो जैसे कि जनरल रूल ये है कि जैसे मान लो जो ए है वो बी का मर्डर करने के लिए क्या लेता है चाकू खरीदता है रामपुरी चाकू खरीदता है बट यहाँ पर ये चीज जो ए ने की है इस चीज़ के लिए उसको नहीं दिया जाएगा तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्या मर्डर कमिट करने की जो तैयारी होती है क्या वो पनिशेबल है नहीं वो पनिशेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो ए है इसका ये जो गिल्टी इंटेंट था कि वो बी को इस चाकू से मारेगा ये बदल भी तो सकता है ए के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भाई अगर मैंने ऐसा काम किया तो ऊपर जो बैठा है ईश्वर वो उससे नाराज़ होगा और उसको स्वर्ग में जगानी मिलेगी ऐसा सोच सकता है एंड फिर बाद में वो ये जो चाकू खरीद के लाया है इससे वो फल वगैरह काटने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है अब यहाँ पर मतलब इसका इरादा बदल सकता है तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना किसी अपराध की पनिशेबल नहीं है बट इस चीज़ के एक्सेप्शन दिए गए हैं कुछ आईपीसी में जिसमें से आपका ये वाला सेक्शन भी एक्सेप्शन में आता है इसके अलावा कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना क्या है पनिशेबल है ये आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट सेक्शन फोर हंड्रेड ऑफ आई पी सी इसमें कहा गया है कि जो डेकवाइट्स की गैंग होती है तो अगर जो कोई भी आफ्टर दी पासिंग ऑफ दिस एक्ट आई पी सी के पास होने के बाद क्या करता है जो डेकवाइटी कमिट करने वाले पर्सन होते हैं हैबिचुअली एसोसिएटेड होते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ कमिटिंग डेकॉयटी एक गैंग के रूप में तो जो भी पर्सन उनकी गैंग से बिलोंग करता है वो यहाँ पर पनिशेबल होगा इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ के लिए आजीवन कारावास के लिए या फिर उतने अवधि के कठोरतम कारावास के लिए रिग्रस इंप्रिजमेंट के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगी दस सालों तक एंड वो फाइन देने के लिए भी लाइबल होगा तो इस तरीके से डाकुओं की टोली में जो भी होता है भाई वो खतरे में है फिर इसके बाद जो चोर वगैरह होते हैं उनकी टोली से जो बिलोंग करता है उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 401 में इसके बाद सेक्शन 402 हंड्रेड टू ऑफ आई में ये कहा गया है कि जो कोई भी आई के पास होने के बाद जो पांच या पांच से ज़्यादा लोग असेंबल हुए हैं डेकोइटी कमिट करने के पर्पज से उद्देश्य से उनमें से जो कोई भी एक है वो पनिशेबल होगा यहाँ पर सेक्शन 402 के तहत उतनी अवधि के रेगुलर्स इंप्रिजरमेंट के लिए जो कि एक्सटेंड हो सकेगी सात सालों तक एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लाइबल होगा अब यहाँ पर कहने का मतलब बस यही है इस सेक्शन का कि भाई डेकोइटी कमिट करने के पर्पज़ के लिए मात्र इकट्ठा होना असेंबल होना क्या है दंडनीय है अंडर सेक्शन 402 ऑफ आईपीसी तो इस तरीके से ये जो डिकॉइटी का ऑफेंस है ये अपने आप में ही एक खास ऑफेंस है वजह ये है कि भाई जैसे कि सेक्शन 391 में इसके डेफिनेशन दिया गया है तो इसके तहत पहली चीज़ तो इन्होंने सीधा ये क्लियर कर दी कि भाई रॉबरी को अगर कमिट किया जाता है या फिर उसका अटैम्प कर दिया जाता है तो दोनों ही चीज़ें अगर भाई संख्या जो लोगों की है वो पाँच या पाँच से ज़्यादा है तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं ये डिकॉइटी का अपराध है अगर आप रॉबरी कमिट करे हैं पाँच या पाँच से ज़्यादा लोग हैं तो तब भी आपने डेकॉइटी किया है या फिर आपने रॉबरी कमिट करने का अटैम किया है और आपकी संख्या पाँच या फिर पाँच से ज़्यादा है तो तब भी ये डेकॉइटी का ऑफेंस है पनिशमेंट वही मिलेगी जो डेकोइटी के लिए प्रेस्क्राइब है सेक्शन 395 में जो पनिशमेंट दिया गया है डेकोइटी के लिए वही पनिशमेंट मिलेगी चाहे रॉबरी कमिट कर दिया गया हो चाहे रॉबरी का अटैम कर दिया गया हो पहली चीज तो ये हो गई दूसरी चीज 396 के तहत हमने डेक्वाइटी विद मर्डर पढ़ी फिर ये तो अलग चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें थ्री नाइन्टी ये अलग चीज़ें हो गई अब डेक्वाइटी का दूसरी चीज क्या डेक्वाइटी कमिट करने का भाई अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना तो वो भी यहाँ पर क्या हो गया थ्री नाइन्टी नाइन के तहत पनिशेबल हो गया तो होगी दूसरी चीज तीसरी चीज है यहां पे ये कि भाई आप अगर जो होते हैं उनकी गैंग से बिलोंग करते हो तो तब भी आप पनिशेबल हो सेक्शन फोर के तहत और यहां पर चौथी चीज ये हो गई कि भाई डेकॉइटी कमिट करने के उद्देश्य से अगर आप इकट्ठा हुए हो ना तो मात्र इकट्ठा होने से आप पनिशेबल हो जाते हो सेक्शन 402 के तहत तो इस तरीके से ये डेकॉइटी के ऑफेंस को हमारे आईपीसी में अरेंज किया गया है और पनिशेबल बनाया गया है अलग अलग तरीक़ों से तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आज की वीडियो में हमने रॉबरी एंड डेकॉइटी दोनों कर ली है दोनों कंप्लीट कर ली है आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना और साथ ही कॉर्नर पर और साथ ही जो कॉर्नर पर बेल आइकन बना हुआ आता है उसको प्रेस कर दिया करो बिकॉज इससे ये फायदा होता है कि भाई अगर हम जैसे कि वीडियो की क्लासेस का टाइमिंग तो आठ बजे ही है बट इसके अलावा अगर दिन भर में मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा उसकी अपडेट आपको मिल जाया करेगी और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर हमसे ज़रूर जुड़ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी गो जीनत ही तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना और एल एल बी जीनत के नाम से हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय हे hey गाइस जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं ई e बुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के तो जैसे ही e ई बुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी फिफ्टीन अगस्त तक आपका आई का ई बुक तैयार दिया जाएगा अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा फिफ्टीन अगस्त टू के बाद मुझे आपको मेरे ई एड्रेस पर मेल करना होगा मेरा ई एड्रेस है जेड और ये मैंने अपना ई एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो आप एक बार देख सकते हैं वहां पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आईपीसी के ई e बुक का जो प्राइस है वो हंड्रेड रुपीज होगा आपने हंड्रेड रुपीज मुझे पे करने होंगे इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एविडेंस का हमने ई e बुक तैयार कर ही लिया है पूरा हो चुका है सेक्शन सेवनटीन से लेकर सेक्शन वन तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के अगर आपको वो चाहिए एक ही ई बुक में तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं वो भी सौ रुपए में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे ई मेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ई बुक चाहिए तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है एंड देन आपको ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा